जलसे के लिए 6 नामों का प्रस्ताव राज्यपाल को भेजा गया। सूत्रों के हवाले से यह जानकारी। रजनीकांत माहेश्वरी, ब्रज क्षेत्र के पूर्व अध्यक्ष का नाम भी इसमें शामिल है। पूर्वांचल विकास बोर्ड के सदस्य साकेत मिश्रा का नाम भी है। अम्बेडकर महासभा के लालजी प्रसाद निर्मल का नाम भी इसमें मौजूद है। एएमयू के वीसी तारिक मंसूरी का नाम भी है। राम सुभद्र राजभर अधिवक्ता आजमगढ़ का नाम शामिल भी है इसमें। काशी भाजपा जिलाध्यक्ष हंसराज विश्वकर्मा का नाम भी भेजा गया है। 6 नाम यहां पर भेजे गए हैं। सूत्रों के हवाले से ये जानकारी। एमएलसी के लिए 6 नामों का प्रस्ताव राज्यपाल को यहां भेज दिया गया है। इसमें बड़े नाम यहां शामिल है और बेहद ही महत्वपूर्ण नाम इसमें ही शामिल है। लालजी प्रसाद निर्मल का नाम भी इस लिस्ट में ही शामिल किया गया है। तारिक मुंसरी का नाम भी इसमें शामिल है जो कि वीसी एएमयू के हैं। और इसी के साथ राम सुभंग राजभर का नाम भी इसमें ही शामिल किया गया है। 6 नामों का प्रस्ताव एमएलसी के लिए राज्यपाल को यहां भेज दिया गया है। हंसराज विश्वकर्मा का नाम भी इसमें शामिल किया गया है। रजनीकांत माहेश्वरी, इनका नाम भी इस लिस्ट में शामिल है। और अब ये 6 नामों का प्रस्ताव राज्यपाल को भेज दिया गया है। विनीश पांडे, यूपी ब्यूरो चीफ, हमारे साथ जुड़ चुके हैं अधिक जानकारी के साथ। विनीश, जानकारी दीजिएगा इस पर, एमएलसी के लिए 6 नामों का प्रस्ताव राज्यपाल को भेजा गया। देखिए, बहुत ही टेक्निकल तरीके से लोकसभा चुनाव के मद्देनजर योग्यता के हिसाब से ये नाम भेजे गए हैं। मुख्यमंत्री बहुत दिनों से इस पर विचार मंथन कर रहे थे, संगठन के लोगों के लिए उनकी विचार विमर्श हुए थे इस मामले पर। और आखिर सोर्सेस से ये खबर है कि ये जो 6 नाम है इस पर बहुत मंथन हुआ। दिल्ली में भी इस मामले को लेकर बहुत मंथन हुआ, नहीं तो ये लिस्ट बहुत पहले जारी हो सकती थी। लेकिन जो लिस्ट आई है उसमें जो सामाजिक समीकरण है वो समझने लायक है। हंसराज विश्वकर्मा जिलाध्यक्ष हैं, काशी यानी बनारस के, प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र के जिलाध्यक्ष हैं, उनको एमएलसी बना दिया जाता है। राम सुभग राजभर, जो राजभर राजनीति है, वो अधिवक्ता है आजमगढ़ के, उन्हें एमएलसी बनाया जाता है। मंसूरी, वाइस चांसलर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, उनको एमएलसी बनाया जाता है। और लालजी प्रसाद निर्मल अम्बेडकर चलाते हैं और दलित नेता के तौर पर विख्यात है, काफी नाम है उनका के बीच में, उन्हें बनाया जाता है। और ब्राह्मण का फेस देखता है, बहुत दिनों से उनकी कोशिश थी कि देवरिया से वो लोकसभा का चुनाव लड़े, का चुनाव लड़े, पूर्वांचल विकास बोर्ड के सदस्य के तौर पर वो पूर्वांचल में अक्सर देवरिया और श्रावण है, वो बहुत सक्रिय दिखाई दिए। माना था कि जो 14 का लोकसभा लड़ा है, एमएलसी बना दिया गया। जो प्रधान सचिव सिख रहे हैं और राम अध्यक्ष है, उनके पुत्र हैं काफी, और साथ ही पूर्व क्षेत्रीय अध्यक्ष रज क्षेत्र की। ठीक है वीरेश, आपके पास लौटेंगे, टेक्निकल इश्यू हो रहा है, आपकी आवाज जो है वो क्लियर नहीं है, आपके पास दोबारा लौटेंगे वीरेश। फिलहाल तमाम जानकारी आपने हमें पहुंचा दी कि किस तरीके से बेहद ही महत्वपूर्ण नाम इसमें यहां पर शामिल किए गए हैं। 6 एमएलसी के नाम भेजे गए हैं। सूत्रों के हवाले से ये जानकारी यहाँ पर मिली है। एमएलसी के लिए 6 नामों का प्रस्ताव आपके पास वापस आ रही है। वीरेश, अपनी बात को कंटिन्यू करिएगा। मैं ये कह रहा था अधिक समीकरण को साधने की कोशिश इस पूरे लिस्ट में देखा जा सकता है। ब्राह्मण तौर पर साकेत मिश्रा, पिछड़े में हंसराज विश्वकर्मा, राम सुभद राजभर, दलित फेस लालजी प्रसाद निर्मल, तारिक मंसूरी वाइस चांसलर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, और रजनीकांत माहेश्वरी पूर्व क्षेत्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के ब्रज क्षेत्र के हैं। तो ये जो नाम आए, बहुत सारे नाम चल रहे थे कि इस तरह के नाम होंगे, किसकी पसंद होंगे, लेकिन 2024 के चुनाव के मद्देनजर इस लिस्ट को देखा जा सकता है और बहुत ही बैलेंस, बहुत संतुलित लिस्ट के रूप में इसे देखा जा सकता है। ये लिस्ट बहुत दिनों से रुकी हुई थी, इसके हाईकमान यानी अमित शाह और जेपी नड्डा से भी इस पर चर्चा हुई। और अगर हंसराज विश्वकर्मा भाजपा के जिला अध्यक्ष हैं काशी क्षेत्र में, उनका एक फोटो अभी रिलीज हुआ था कुछ दिन पहले, प्रधानमंत्री के साथ वो पार्लियामेंट में मिलने गए और वहाँ उनका फोटो आया था, तो ये समीकरण साधने की कोशिश की गई है। और अगर पूर्वांचल की बात करें तो राजभर बिरादरी एक बहुत बड़ी कमजोरी है भारतीय जनता पार्टी का, बहुत लोगों पर उन्होंने दांव लगाया लेकिन अभी भी उनकी लीड डेवलप नहीं हो पाई। इसलिए राम सुभद्र राजभर अधिवक्ता है आजमगढ़ के, चादरी में उन्हें बनाया है। दलित अगर हम बात करें तो निर्मल लालजी प्रसाद निर्मल दलितों का काम करते हैं, और तारीख आने वाला नाम है यूनिवर्सिटी, आप देख सकते हैं कि इन्हें बनाया जा रहा है। तो ये जो नामित पद है वो योग के लिहाज से समीकरण बहुत ही मुफीद है जनता पार्टी के लिए, इसलिए इस
को भारतीय जनता पार्टी। ठीक है वीरेश, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।